हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे बायोलॉजी शॉर्ट्स में। अब देखो, आप यहाँ पे आपने लास्ट टाइम देखा था इसमें कि जो भी प्रोटीन्स लिपिड्स हैं वो सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में भी फिर वो फॉलो करते हैं, कहाँ जाते हैं वो गॉल्गी बॉडी में, उसके बाद लेटर ऑन कुछ ऐसे वेसिकल्स बनते हैं जो कि लाइजोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो उस यही यहाँ पे जो लाइजोसोम्स बनेंगे, इन्होंने क्या कैरी किया हुआ है, बेसिकली जो वेसिकल्स आए थे वहाँ से पूरा ट्रांसफर होके फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो गॉल्गी बॉडी, वो थे आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, ये सराउंडेड है बाय द लिपिड लेयर से, और इसके बाहर, अगर लिपिड लेयर के बाहर हम बात करें, ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, ये वही जो कि आपका गॉल्गी बॉडी लेके आ रहे हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, कोई 40 के करीब इसके पास क्या रहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रहते हैं। कितने, 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी पीएच की बात करें, पीएच इसका कैसा होगा, लो होता है, मींस ये एसिडिक रहेगा, 4.5 to 5 रेंज रहेगी पीएच की इसकी, तो ये एसिडिक होगा। तो इसके कारण जो इसका मीडियम होगा ना, ये क्या होगा, एसिडिक होगा। इसके कारण जो भी पैथोजेंस आएंगे, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, कोई भी पैथोजेंस आएंगे यहाँ पे तो वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्लियर। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये तो लिपिड सॉरी ये लाइजोसोम्स का। अब हम इसको कभी कभी क्या होता है कि द सेल में क्या होता है, बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल आ जाता है। काम कब करता है, जब सेल में बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल या अनवांटेड मटेरियल बन जाता है, या सेल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। देखो, जब सेल डैमेज हो जाता है ना, तो उसको भी क्या करता है, एंड ये जो लाइजोसोम्स है ना, उस लाइजोसोम्स क्या करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज करेंगे, धीरे धीरे पूरे सेल को ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे आपके लाइजोसोम्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया, कोई भी इन्वेडर होगा, ठीक है, कोई भी इन्वेडर आपका पैथोजन होगा, कोई भी पैथोजन होगा, ये उसको अंदर नहीं आने देगा। और अगर वो अंदर आ भी जाएगा, तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे वो उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। क्लियर। तो अब जल्दी से हम इसकी थोड़ी देख लेते हैं, रिव्यू कर देते हैं। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय, ये डिस्कवर किसने किया है, डिस्कवर ये किया है बाय क्रिस्टियन डी ड्यूब ने किया है। लाइजोसोम्स हैं जो, ये क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, कि जितना भी वेस्ट है उसको ये क्या बाहर निकालते हैं। आर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि किससे बने होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू द सेल, कि कोई इन्वेडर अंदर ना आ जाए, और अंदर आ भी गया तो उसको ये किल कर सकें। उसके बाद जो लाइजोसोम्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट को, रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद हम इसका देखें, ये जो लाइजोसोम्स होते हैं ये डाइजेस्ट करते हैं नॉन फंक्शनिंग, मतलब नॉन नॉन फंक्शनिंग सेल्स को, जिस सेल में ये प्रेजेंट होते हैं उसी को ये डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके कारण इसको क्या क्या आ जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो इट इज ऑल अबाउट लाइजोसोम्स। थैंक यू।